हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही इजी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये डायग्राम्स हमको गिवन है, तो मैं इसको डायग्राम यहाँ पे मैंने नीचे बना रखे हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ कैसे करना है इसको। बड़ा इजी क्वेश्चन है, करते हैं। चलो देखो, ये हमारा पहला फिगर है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, है ना। ये हमने थ्योरम पढ़ी भी, भाई ये सेम सेगमेंट में, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक सेम सेगमेंट में है। तो ये भी मेरा एंगल जो डी हो जाएगा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब मुझे ये एक्स निकालना है, बस अब मैं निकाल लेता हूँ। तो लिख लो इन ट्राइंगल ए बी डी। तो देखो, ए बी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना। ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है। तो ये देखो, एंगल ए हो जाएगा मेरे पे 42 डिग्री, एंगल बी अभी मेरे पे आया 50 डिग्री, और एंगल डी क्या है मेरे पे, सॉरी एंगल बी मेरे पे कुछ नहीं है, एंगल बी मेरे पे एक्स है, एक्स है, एक्स ले लेता हूँ। और एंगल डी जो है मेरे पे, ये है 50 डिग्री, है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाने वाला है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 92 डिग्री इक्वल्स टू 180। और यहाँ से मैं 92 को इधर शिफ्ट करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, विच इज एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 88 डिग्री। तो देखिए कितना प्यार से मैंने ये एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना। आई होप आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड में, फर्स्ट का सेकंड। देखिए ये वाला फिगर, क्योंकि मैंने इस पे खिचपिच कर रखी है बहुत सारा, इसलिए मैंने अलग से मैंने ये बनाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करते। तो बच्चों, हम करने वाले हैं, देखिए हमारा सेकंड वाला फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो देखो, यहाँ पे जो एंगल सी है ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। तो जो एंगल सी हो जाने वाला है वो मेरा एंगल बी के इक्वल होगा, क्यों, देखो ये सेम सेगमेंट में है, सेम सेगमेंट में है। देखो ये एडी, एडी देखो, ये AD सेम सेगमेंट में, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल C के बराबर। तो जो मेरे पे एंगल B हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पे 32 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा इजीली हमने कर दिया, ये हमारा हो जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन ट्राइंगल ABD, देखो ABD, और मुझे अब यहाँ से एक्स निकाल लेना है, कितना इजी हो जाएगा। तो एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस। और एंगल डी है मेरे पे 45 डिग्री, एंगल ए मेरे पे एक्स है, और एंगल बी मेरे पे अभी आ गया 32 डिग्री। कितना इजी हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस मैं इसको ऐड करता हूँ, ये हो जाएगा 4567 7, और ये हो जाएगा 567, 77 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एक्स की वैल्यू जो हो जाने वाली है 180 माइनस 77, तो हम पे कितना आ जाने वाला है, हम पे आ जाएगा ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 0 1 1 0, एक्स आ जाएगा मेरे पे 103 डिग्री। कितना इजी है, कितना इजी है, क्या बात है ना। सेकंड वाला भी हमने कर लिया, ऐसे ही अब हम थर्ड वाला करते हैं। अब हम फिगर थर्ड वाला देखते हैं, फिगर थर्ड भी बड़ा इजी है। तो देखिए, ये अगर 20 है, ठीक है, इसमें नाम नहीं दे रखा, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला भी 20 होगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, नाम मैंने लिख लिया। तो ये जो एंगल, ये वाला जो बी 20 है, ये सी भी। तो देखो, एंगल ए जो हो जाएगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री, सिंपल है, ठीक है, मैंने बताया ना आपको। तो ये मैंने आपको पूरे थ्योरम बताया अच्छे से। ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, इसको मैं ओ ले लेता हूँ। तो देखो कितना इजीली, और मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, ये 20 डिग्री हो गया। और सी ओ ए इक्वल्स टू सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बस। अब मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल सी ओ डी। अब मुझे ये डी तो निकालना है, एक्स कितना इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये हो जाएगा देखो, एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अब एंगल ओ है मेरे पे 90 डिग्री,
एंगल सी है मेरे पे 20 डिग्री और एंगल डी है मेरे पे एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बात है, तो ये हो जाएगा 90 100 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बस यहाँ से अब आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री है ना। ये 110 अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। कितने प्यार से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, और बिल्कुल इतने जितने प्यार से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं इतने ही प्यार से आपको करना है, क्योंकि है ही बहुत नकली सा चैप्टर। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ वाले में। तो बच्चों मुझे देखो एंगल डी निकालना है, और ये सेम सेगमेंट में है, जो मेरा बीसी है वो सेम सेगमेंट है। मेरे बीसी क्या है, सेगमेंट है, सेम क्या बोल रहा हूँ मैं, बीसी मेरा एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, जिसके एंगल्स क्या है, देखो एंगल ए और एंगल, तो एंगल ए जो होने वाला है वो एंगल डी के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। देखो तो बस मुझे यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, मुझे ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी मुझे पूरा दे रखा है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ए निकाल लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ए मेरा डी के इक्वल होगा, तो एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं लिख लेता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ए मेरे पे है नहीं दे रखा तो मैं एंगल ए लिख लेता हूँ इसको, एंगल बी दे रखा मुझे 69 और सी दे रखा मेरे पे 31 इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब मैं इसको इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, एंगल ए प्लस ये हो जाएगा मेरे पे 0 9 6 7 8 9 10 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बात है, और एंगल ए मेरे पे आ जाएगा मेरे पे 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री। तो एंगल ए आ गया मेरे पे 80 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है एंगल डी भी कितना होने वाला है मेरा 80 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पे 80 डिग्री। क्या बात है, कितना इजी था। तो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसका हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, तो बड़ा इजी है ये भी, देख लेते हैं एक बार ये वाला पार्ट है ना, फिफ्थ सॉरी ये वाला पार्ट। ये देखो ये वाला जो एंगल ए है ये इस एंगल डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, है ना, हमारे थ्योरम से पता चल जाएगा हमें। अब यहाँ पे देखो ये 120 है, तो ये वाला पार्ट भी 120 होगा, ठीक है, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी 120 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो इस पॉइंट को मैं लेट सपोज ओ ले लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल, सी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी 180। अब मैं इस ट्राइंगल को देखो जरा, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, मैं इसको ऐसे येल्लो पेन से बताता हूँ यहां तक का, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, देखो ऐसे करके। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, ये हमें पता है भाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये 70 है और यहाँ पे लेट सपोज ये ए है और ये 120 है, तो मैं इस ए को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, है ना। तो देखो मैं इसको ब्लैक पेन में ही ले लेता हूँ, ए एंगल ए प्लस एंगल 70 इक्वल्स टू 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। इंटीरियर दो इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये दोनों इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, है ना। तो देखो यहाँ से एंगल ए आ जाएगा मेरे पे कितना, 120 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 0 7 8 9 10 11 12, तो 50, तो एंगल ए आ जाएगा मेरे पे कितना मेरे बच्चों 50। अब ये 50 आ गया तो एक्स भी मेरा 50 आ जाएगा, क्या बात है, कितना इजी हो गया, एक्स आ गया मेरे पे 50, कितना इजीली आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम इसको भी कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला, पहले मैं इस यहां से ये सब मिटा देता हूँ, तो आप पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमें इसको भी करना है, और ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, देख लो एक बार, ठीक है, ये वाला सिक्स्थ वाला देख लेते हैं क्या निकालना है मुझे। ठीक है, इसको कैसे किया जाए। ठीक है, ये एक्स निकालना है मेरे बच्चों मुझे, ये वाला चीज ये निकालना है, तो इसको कैसे निकाला जाए यार। लेट सपोज इस पॉइंट को ना मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, ये वाले पॉइंट को ओ दे देता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या करा जाए। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल पी सी बी, ये पूरा ट्राइंगल देखो ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, तो पी सी बी अगर मैं ले रहा हूँ, पी सी बी
तो ये कितना हो जाएगा, देखो एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी है मेरे पे 25 डिग्री, एंगल सी है मेरे पे एंगल सॉरी पी है मेरे पे 35 डिग्री, सॉरी सी है मेरे पे 25 डिग्री, और बी है मेरे पे, बी मुझे दे नहीं रखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पे 60। ठीक है, 60 प्लस एंगल एंगल 60 प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो भाई एंगल बी जो हो जाने वाला है वो कितना हो जाएगा मेरे पे, 120 डिग्री। तो देखो एंगल बी मेरे पे 120 आ गया है इससे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको साफ सफाई कर देता हूँ और एंगल बी की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, 120। ठीक है जी, अब एंगल बी अगर 120 है, ठीक है, तो भाई एंगल बी अगर मेरे पे 120 आ चुका है तो भाई यहां से ये वाला एंगल भी आ जाएगा। और देखो एंगल बी मेरे पे 120 आ गया है। ठीक है, देखो यहां पे ये देखो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी ओ, देखो ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी पी, ओ बी पी ये कितना होगा, 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। देखो तो यहां से मेरे पे ये वाला एंगल आ जाएगा ए बी ओ, और ए बी ओ जो एंगल ए बी ओ है ये किसके बराबर होगा, इस एंगल एक्स के बराबर ही तो है। देखो ये दोनों यही तो कर रहे थे देर से, तो बस यहां से मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाने वाला है एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ओ बी पी। तो एंगल ए बी ओ हो जाएगा मेरे पे कितना, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। तो ये एक्स भी कितना आ जाएगा मेरे पे, 60 डिग्री। क्या बात है, कितना इजी था ये क्वेश्चन, है ना। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही है ये सारे क्वेश्चन पूरी इस बुक में, बहुत ही नकली सा चैप्टर है ये सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आप।